ये जो सामने आप देख रहे हो ये है आईआईटी खड़गपुर का कैंपस। किसी का सपना होता है आईआईटी खड़गपुर में आने का, और फाइनली मैंने बड़ी मेहनत से जो एग्जाम दिया मेहनत सफल आई। और ये कोई होटल नहीं है, ये आईआईटी खड़गपुर का हॉस्टल है। ये मेरा सामने रूम। पहले मैं तुम्हें पूरा मतलब टूर कराऊं कैंपस का। गाइज एक लाइक कर दो यार, मैंने बड़ी मेहनत से आईआईटी क्रैक किया यार। यार तूने आईआईटी निकाली मुझे बिलीव नहीं हो रहा भाई, तू सब्जी बेचा करता था, आज तो तू बड़ा आदमी बन गया। अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं, तू नेक्स्ट ट्राई दे दे, एक साल ड्रॉप ले ले, अगले साल ट्राई दे, निकल जाएगा तेरा भी। तो यहाँ पे मेरा हॉल है और ये एग्जिट देखो, कितना प्यारा सा एग्जिट है भाई। ये सौरभ जोशी जैसी थार यहाँ पे क्या कर रही है मेरे को पता नहीं भाई। मजे तो कुछ तो गए बिना पढ़े आईआईटी में आ गए भाई। पर ध्यान से रहिए, डुपांडू समझ रहा हो। आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा कॉलेज है, 16,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, कि सबको इतना ही बड़ा रूम दिया होगा। नहीं, सबको नहीं दे रखा इतना रूम। जो AIR रैंक 1 से AIR रैंक 420 तक जो लोग आए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट है मतलब टॉप के जो 420 स्टूडेंट है, उनको ही ये रूम मिला हुआ है। और थोड़ा दूर से मेरे हॉस्टल का नज़ारा देखो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे इंडिया के 420 टॉप स्टूडेंट रहते हैं इस वाले में। और कुल मिलाकर ये जो बिल्डिंग मैंने दिखाई आपको, ये टोटल 420 स्टूडेंट्स के लिए 210। इधर ये बिल्डिंग है, चलते जा रहा हूँ 500 मीटर चल चुका हूँ, पर ये रोड खत्म हुआ है। एक्चुअली में ये रोड ही बहुत लंबा है, और ये कॉलेज कैंपस के अंदर का रोड है। और इसी रोड के अंदर आपको बैंक्स मिल जाते हैं, पुलिस स्टेशन मिल जाता है, हॉस्पिटल मिल जाता है, कैंटीन और रेस्टोरेंट मिल जाता है। मतलब टोटल कुल मिला के 10 से 11 यहाँ पे आपको कैंटीन मिल जाएंगे। तो अभी जो मेरे को कैंटीन दिख रहा है वो सामने दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो मैंने एक कैंटीन देखा था कल रात को मैं आया हूँ यहाँ पे, तो वो कैंटीन ओपन कैंटीन है और वो काफ़ी बड़ा है, तो वो भी अच्छा है। और प्राइस की बात की जाए तो बहुत अच्छा प्राइस है, और अच्छे प्राइस में मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से मिल जाएगा आपको। साउथ इंडियन डिश है इधर, ये मैगी वैगी है जो खाना खा सकते हो, राइस वाइस सब कुछ है यहाँ पे। तो ये मैंने कैंटीन से एग्जिट ले लिया। एक्चुअली कॉलेज तो साफ है पर कैंटीन की हालत थोड़ी सी बेकार है। कैंटीन ओवरऑल देखा जाए तो बिलो एवरेज ही है, पर ओवरऑल ठीक ही है। यहाँ पे जो नज़ारे हैं ना, ठीक है भाई, सब लोग चिल्ली मार रहे हैं, ये लोग पढ़ते कब भाई। कैंटीन अंदर से कैसा भी हो पर बाहर से बहुत अच्छी बिल्डिंग है ये। और मैं साइकिल की बात कर ही रहा था कि सब साइकिल चला रहे हैं, यहाँ देखो एक लाइन से कितनी सारी साइकिल पार्क्ड है। और यहाँ सबने लिटरली अपनी पर्सनल साइकिल खरीद रखी है, सबके पास एक एक साइकिल है, और होगी भी क्यों नहीं, चलना जो इतना पड़ता है। अब मैं आ गया हूँ तो मैं भी एक सोच रहा हूँ एक तो साइकिल खरीद ही लूँ। कौन सी खरीदूँ गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी यहाँ देखो कितने सारे साइकिल्स हैं, हर जगह साइकिल ही साइकिल। पहला जो एरिया है कॉलेज का थोड़ा सा क्राउडेड है कंपेयर टू अदर एरिया। तो यहाँ पे कुछ तो इवेंट चल रहा है, काफ़ी भीड़ है, और उन्होंने कहा कि पल्सर का कोई तो इवेंट चल रहा है। ये क्या ड्रोन है, घर जाएंगे इसमें। नोटिस किया ये यहाँ से ऐसे करके जाता है। और भाई भाई कांग्रेचुलेशंस आईआईटी, अरे भाई फाइनली निकाले भाई, यस। अरे रूम दिखाओ यार। हाँ ये मेरा रूम है, ये मिलता है रूम रैंक 1 से लेके रैंक 420 को। तुम्हारा रैंक 800 आया था ना, एक बेड मिला है और वो भी इतना नहीं मिला है। मेरे को भी एक ही बेड मिला है, वो दूसरा किसके लिए वो आया ही नहीं, क्योंकि 420 रैंक तक ही मिलता है ना लोगों को। तो हर कोई तो आईआईटी खड़गपुर में आएगा नहीं, कुछ कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ कानपुर चले गए, तो मेरा ये बेड खाली है एटलीस्ट इस सेमेस्टर तक, पूरा इस साल तक पूरा खाली है। पहले इनसे मिला दूं, इसका नाम है आयुष, ये इसके आईआईटी में आए थे 800 रैंक, तो इसने भी निकाल दिया। हाँ, और ये इसके 2000 समथिंग रैंक आई थी। तो ये लोग भी इसी कॉलेज में एक्चुअली, पर इनको दूसरा रूम मिला हुआ है, इससे थोड़ा सा ही खराब है पर वो भी अच्छा है। मतलब टेक्निकली देखा जाए जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उसमें तो ये इतना अच्छा रूम तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। होटल लग रहा है भाई, वही पूरा होटल लग रहा है, लेकिन ये कैंपस के अंदर है। सोफा मिल गया रे इसको, हाँ पर्सनल ये भी है मेरे पास, फ्रिज मिल गया, हाँ पर्सनल फ्रिज। भाई मैं कह रहा हूँ आईटी के लिए जो तुम घिसते हो ना, उसके बाद जो तुम्हारी को जन्नत मिलती है भाई, वो है ये। तो इतना घिसने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ लोग पढ़ते नहीं है, मैं पता है रात में निकला, एक बच्चा पढ़ते हुए दिखा, कोई यहाँ पे अय्याशी कर रहा है, कोई यहाँ पे वो खाना खा रहा है, मतलब पूरे समय बाहरी कैफेटेरिया में पढ़ रहे, लड़की बाजी सब कर रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो कॉलेज में आने के बाद फेल होते हैं ना, वो कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर सब कुछ है, जहाँ तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बैंक यही है, पुलिस स्टेशन यही है, तो मस्त है। तो अभी हम बाहर निकलेंगे, जाएंगे कॉफी कैफे डे, उसके बाद अरे भाई यू आर एन आईआईटीयन भाई, ये क्या कर रहे हो। तो अभी हम बाहर निकलेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, और इनको मैं वैसे तो इन्होंने कैंपस देख लिया है, इसका भी आज पहला दिन ही है। 911
अरे एक मत कर भाई ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे ये आईआईटी से है ही नहीं। हम लोग को मिला नहीं है ना, हम लोग थोड़ा सा तुम्हारे पास नहीं है। ओके ओके, हम लोग जस्ट आए, बड़ा शहर है, थोड़ा पढ़ लेते तो आज हो जाता। अरे भाई बोलो भाई, लेकिन बोलना होगा हम लोग कहाँ से कहाँ आए एक टाइम में जो रिकॉर्ड कर रहा है भाई, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। सब्जी बेचता था, मेरे को एक्स्ट्रा धनिया भी देता था भाई जब मैं 1 किलो प्याज खरीदता था। और अभी हम लोग भाई इस बंदे का बहुत बड़ा शुक्रिया भाई, मैं जब पढ़ाई जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे तो बता नहीं सकता, मैं इसको 60 रुपए किलो टमाटर बेचता था, 80 देता था। लेकिन कहाँ पे ये नहीं पता, चलो ढूंढते फाइंडिंग राउंड टू हेल। भैया जी ये राउंड टू हेल किधर है, क्या रूम नंबर 323 भाई ये लोग छपरी बना जाता है मेरा दोस्त नहीं है, ये यही होता है यार, रैंक 420 और 800 रैंक में कुछ तो डिफरेंस हुआ ही ना यार भाई, इतना हम लोग औकात दिखा दिया, पर्सनल कमेंट है भाई। नहीं ये लोग औकात दिखा दिए, मेरा रैंक 420 आया, मैं कितने अच्छे तरीके से हूँ, ये 840 रैंक वाले लोग को गाड़ी पार्क यहाँ पे करी इसने, आते ही ले लिए सेकेंड हैंड गाड़ी। हाँ देखो भाई ये कॉलेज का फीस जितना नहीं, उससे महंगा गाड़ी लेकर घूम रहा है भाई। देखो अपना कैंपस, तुम्हारा क्वार्टर कौन सा वाला है, मैं आगे वाला भैया ना। हाँ आगे ही है। यहाँ पर तो ई लोग का क्वार्टर जो है क्या बोलते हैं, क्वार्टर ई लोग का जो क्वार्टर है वो आगे वाला है। अभी हम कॉलेज के बाहर आए हुए हैं, ये देखो हमारा कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतना मेहनत की है भाई, सोचो एक टाइम पे मैं सब्जी बेचता था, आज मैं IIT कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। वेरी इंस्पायरिंग गाइस, पता नहीं सकता कितने दुखों के साथ। 12th में फेल भी तो नहीं हो गया था? नहीं नहीं हुआ था फेल, तब से बहुत मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ पहुँचने के बाद जो मज़ा है ना, जो ज़िंदगी है वो बहुत सुकून भरी भरी है भाई। तो ये हमारा कॉलेज है सामने, ये हम लोग अभी कैंपस में घूम रहे हैं। एक्चुअली हम तीनों का ना पहला दिन है, इसका ही पहला दिन है, इसका ही पहला दिन है, मेरा ही पहला दिन है, और यहाँ सब लोग फोटो खींच रहा है, शायद सब लोग फर्स्ट ईयर वाला ही होगा, सब फर्स्ट ईयर। हाँ तो भाई ओवरऑल जो हमारा कॉलेज है अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ लोग छपरी पना नहीं घुमा रहे भाई, ये घूमेंगे भाई, ये तुमको वो बाहर का समझ के भगा देगा समझे, हम दिखा भाई देंगे, आईडी कार्ड दिखा देंगे, बाहर का क्या बात है। हाँ ये लोग कॉलेज आया नहीं कि ये ऐसा जता रहा है जैसे भाई कहीं का गुंडा लोग, ऐसा मत करो भाई माना। चलो चलो चलते हैं भाई, बहुत देर गाड़ी चलाने के बाद हमें फाइनली लोकेशन मिल गई, कम से कम 15-20 मिनट ढूंढने के बाद हम लोग आ गए HJB कैंटीन। इस जगह को ढूंढने में बहुत लग गया, एक्चुअली ये जस्ट सामने था, हम इसके बगल से 3-4 बार निकल गए और ये अब जाके मिला है, तो फाइनली मिल गया, अब खाएंगे। अब स्ट्रीट फूड का खाना, अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई IIT का खाना अलग फील आएगा। IIT कॉलेज अच्छा है, कैंटीन नॉर्मल है यहाँ का। अच्छा हाँ, बस हाइजीन रखता हुआ नहीं रखता हुआ वो पता नहीं, पर ठीक है नॉर्मल ही है। चलो अब घुसते हैं किचन में। हाँ किचन में नहीं आई, अगर किचन में घुसेगा फिर तो हो गया, चाय होगा, चाय व्लॉग अच्छा बन रहा है। अरे धन्यवाद, कल चाय नहीं मिल पाया था, खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो, तुम चाय पियोगे ना दोनों? तीन तीन कर देना, टोटल तीन। हाँ तीन कर देना। इस तरीके से सिटिंग एरिया ये ओपन, ये अच्छा है काफी, मतलब मस्त है, यहाँ बैठ के खाओ चिल मारो नेचर के गोद में। कितने आए थे नंबर एडवांस में? 102। तुम्हारे कितने थे? 69। कट ऑफ क्लियर कैसे भाई? नहीं 65 का था कट ऑफ इस बार, एडवांस में 65 का था कट ऑफ इस बार। हाँ देखो गाइस, हम लोग जो है चाय के लिए है, अभी हम जा रहे हैं प्रॉपर रेस्टोरेंट, वहाँ जाके खाएंगे, आज पूरा कैंपस हम ढूंढ लेंगे, पूरा एक एक कोना जाएंगे, ठीक है भाई? चलो एक्सप्लोर करेंगे। हाँ आज हम कैंपस एक्सप्लोर करेंगे, जो रैंक लाए हैं ऐसे थोड़ी चढ़ने के लाए हैं, अभी घूमने जाएंगे हम लोग अच्छे से। तभी पता लगा हमको जो भी ऑर्डर करना होगा हमको, यहाँ से ऑर्डर देखो और यहाँ पे इसको लिख के दे दो, खुद ही बनाना पड़ेगा सब कुछ, ये तो सही है ना? यही असली निशानी है कि तुम IIT पहुँच गए हो। आते थे यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी खा लेते हैं IIT में। भाई IIT आए हैं तो ये पहला दिन है भाई, अच्छा खाते हैं कुछ हम लोग। तो गाइस हम लोगों का जो खाना पीना है हो गया, अच्छा बिरयानी था लेकिन बहुत मज़ा आ गया भाई। यस खाना सस्ता था लेकिन अच्छा था। यस IIT का यही है, अगर बाहर के रेस्टोरेंट में जाए वहाँ इस दाम में इतना अच्छा नहीं मिलेगा। चलो गाइस इनको छोड़ के आते हैं फिर हम सो जाएंगे। चले गए भाई अपने रूम, यहाँ पे ये रुक गए। गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम से,
कल से करनी है बहुत सारी पढ़ाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ऐसी मेहनत करके पढ़ो गाइज, मेरे जितना पढ़ो तुम लोग भी आओगे इस कॉलेज में। बाकी कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना ज़रूर। और इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस आती है, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो इस चैनल पे मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। तो जितने भी छपरी गवार लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम सबको पढ़ा लिखा छपरी बनाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो डैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।